नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की संपूर्ण तैयारी के क्रम में यह पुस्तक अपने अंतिम चरण में हम इसे पूरा करने जा रहे हैं और इसका अंतिम टॉपिक है पत्रकारिता। इसका अंतिम टॉपिक ऐसे मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य विधाओं का विकास सहित आधुनिक काल के अंतर्गत यह अंतिम टॉपिक है आप आज का, तो इस पुस्तक का जिसका शीर्षक रहेगा समकालीन पत्रकारिता। कल हमने 2000 तक जितने भी पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए उनमें से जो मुख्य हैं उनके विषय सहित लगभग सभी की जानकारी और उनसे पूछे गए प्रमुख जो कथन हैं या पंक्तियां उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज हम आधुनिक काल समकालीन पत्रकारिता जो अब चल रही हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हो सकता है इनमें से एक आध बंद भी हो गई हो, लेकिन ये चर्चित रही हैं और परीक्षा में पूछी गई हैं। पहली है आलोचना, अरुण कमल की है आलोचना, अरुण कमल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली त्रैमासिक। तद्भव अखिलेश की है, लखनऊ से प्रकाशित होने वाली है। आप पहले निशान लगाइएगा आलोचना पर, दूसरे नंबर पर तद्भव, तीसरे नंबर पर बागार्थ, चौथे नंबर पर हंस, पांचवें नंबर पर आजकल। तो इतना निशान लगाइए फिर मैं आपको दिखा बताती हूँ। तद्भव अखिलेश की त्रैमासिक लखनऊ से प्रकाशित, समीक्षा सत्यकाम की है दिल्ली से प्रकाशित, वागार्थ एकांत श्रीवास्तव की मासिक पत्रिका है कलकत्ता से प्रकाशित है, निशान लगाइएगा। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया की है मासिक दिल्ली से। लम्ही से ऋतिक राय ने लम्ही पत्रिका को ऋतिक राय ने लखनऊ से निकाला, हंस पत्रिका को राजेंद्र यादव ने दिल्ली से निकाला। आजकल यह इसके वर्तमान संपादक सीमा ओझा और फरहत परवीन है, दिल्ली से निकलती है यह। कथादेश हरिनारायण की है मासिक है, दिल्ली से निकलती है। वर्तमान साहित्य नमिता सिंह की है, अलीगढ़ से प्रकाशित होती है। नया पथ मुरली मनोहर प्रसाद की दिल्ली से प्रकाशित होती है। साखी सदानंद साही की बनारस से प्रकाशित होती है। पक्षधर विनोद तिवारी की अर्धवार्षिक है, ध्यान दीजिएगा पक्षधर कैसी है अर्धवार्षिक, और दिल्ली से प्रकाशित होती है। बयां गौरीनाथ की गाजियाबाद से प्रकाशित होती है। परिकथा शंकर की दिल्ली से प्रकाशित होती है। पाखी प्रेम भारद्वाज की दिल्ली से प्रकाशित। शुक्रवार विष्णु नागर की दिल्ली से प्रकाशित। पहल है ज्ञान रंजन की है, वैसे तो पहल कल हमने पढ़ा था किंतु वर्तमान में ज्ञान रंजन प्लस राजकुमार केसरवानी दोनों मिलकर पहल को गाजियाबाद से प्रकाशित कर रहे हैं। वसुधा वर्तमान में कौन है, वसुधा के स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा, वसुधा पे टिक करिएगा, स्वयं प्रकाश और राजेंद्र शर्मा भोपाल से इसे प्रकाशित कर रहे हैं। कथाक्रम लखनऊ से, संवेद को किशन कालजई मुंगेर से प्रकाशित करवा रहे हैं। समकालीन सरों का सुभाष राय प्रकाशित करवा रहे हैं। दस्तावेज गोरखपुर से है, पूछी जा सकती है, यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दस्तावेज और बाघ, दस्तावेज विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की है, गोरखपुर से प्रस्तावित है। वाघ सुधीर पचौरी की त्रैमासिक पत्रिका है। हिंदी की प्रमुख दलित पत्रिकाएं। दलित पत्रिका की शुरुआत मराठी में 1 जनवरी 1899 से दीन बंधु से मानी जाती है, इसका संपादन ज्योतिबा फूले करती थी, निशान लगाइएगा। पहली दलित पत्रिका कौन सी है, 1 जनवरी 1899 दीन बंधु और ज्योतिबा फूले इसका प्रकाशन करती थी। हिंदी दलित पत्रकारिता की शुरुआत अंबेडकर के जनता पत्र से मानी जाती है। प्रमुख दलित पत्रिकाएं और उनके संपादक देखेंगे, ठीक है, और इसके बाद जो पुरस्कार और सम्मान है जो रचनाओं को मिले हुए हैं वह भी हम आज की कक्षा में देखेंगे, क्योंकि यही रचनाएं आपसे बार बार पूछी जाती रही हैं। तो पहले पत्र पत्रिकाएं देख लेते हैं। दलित पत्र पत्रिकाएं, भीमराव अंबेडकर 1920 मूक नायक, भीमराव अंबेडकर की बहिष्कृत समाज 1927, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर ने समता निकाली, भीमराव अंबेडकर ने जनता निकाली। रघुनंदन प्रसाद ने दलित मित्र बिहार से निकाला 1937 में। चंद्रिका प्रसाद ने 1937 में नवजीवन लखनऊ से निकाला। एक अज्ञात लेखक रहे जिन्होंने 1961 में अस्मिता दर्श महाराष्ट्र से निकाला।
नामदेव ढकसाल व जेपी पवार ने पैंथर निकाला। पैंथरन संगठन द्वारा आक्रोश निकाला गया। देवेश चौधरी 2000 तीसरा पक्ष त्रैमासिक जबलपुर से यह प्रकाशित हुआ। तेज सिंह की अपेक्षा दिल्ली से प्रकाशित हुआ। मोहनदास नेमी शरण का बयान यह मासिक पत्रिका दिल्ली से प्रकाशित हुई। डॉक्टर तुलसीराम का भारत अश्वघोष नागपुर से प्रकाशित हुई। ओम प्रकाश वाल्मीकि, देखिए ये इम्पोर्टेंट है, तीनों लेखक जयप्रकाश कर्दम सहित। ओम प्रकाश वाल्मीकि का प्रज्ञा साहित्य त्रैमासिक फरुखाबाद से और जयप्रकाश कर्दम का पश्यंती दिल्ली से। तो ये पूछी हुई है आपकी पश्यंती। देश निर्मोही की पल प्रतिपल, रमणिका गुप्त की युद्धरत आदमी पूछा हुआ है भाई, रमणिका गुप्त का। जयशंकर प्रसाद की एक और है दलित साहित्य वार्षिकी। जयनारायण की है कल के लिए। विभांशु दिव्या की है राष्ट्रीय सहारा। दिनेश राम की है बहुरी नहीं आवन। सपना सोनकर की है नागफनी और बिमल थोराट की है दलित अस्मिता। भीमराव अंबेडकर जनता पत्रिका को सन 1856 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित करने लगे थे। तो ये आपके जितने भी पत्र पत्रिकाएं अब तक भारत में प्रकाशित हुए हैं उनकी एक सूची आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत कर दी। अब हम बात करेंगे पुरस्कार और सम्मानों पर, अर्थात जो हमारी हिंदी साहित्य की बेहतरीन रचनाएं रही हैं, जो पुरस्कृत रही हैं। और अब क्योंकि पुरस्कृत हैं, चर्चित रहती हैं, तभी पुरस्कार मिलते हैं, और यही बारंबार परीक्षा में पूछी जाती है। तो कुल मिला के आज आपकी ये जो अंतिम कक्षा होने वाली है यह बहुत बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो प्लेलिस्ट चेक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा हमारा अन्य चैनल भी है हिंदी बुकशाला, जहां पर आपको किताबें मिलती हैं, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, किसी भी एक वीडियो का लिंक दे दूंगी, बस आप उस लिंक के माध्यम से चैनल पर पहुँच जाइए और फिर सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, ठीक है। इनमें भी ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ जो हिंदी बुकशाला पर उपलब्ध हैं। और अगर उपलब्ध नहीं भी हैं तो देखिए धीरे धीरे प्रतिदिन उस पर मैं वीडियो डाल रही हूँ। कई सारी अच्छी किताबें करवा चुकी हूँ, कई सारी अच्छी किताबें मेरे पास हैं, वो सब आपको बुकशाला पर मिल जाएंगी। हिंदी नेटशाला से हो सकता है कि परीक्षा के बाद आप वास्ता ना रखें, लेकिन हिंदी बुकशाला एक ऐसा चैनल है जहाँ हम और आप हमेशा जीवन पर्यंत जुड़े रह सकते हैं, हिंदी के शिक्षार्थी के रूप में, हिंदी के विद्यार्थी के रूप में, हिंदी के शिक्षक के रूप में, और कोई बात नहीं उससे भी नहीं, तो एज अ हिंदी साहित्य को मतलब कहते हैं, भले ही हम गृहिणी हों या धार्मिक स्तर पर रामचरितमानस जैसी पुस्तक आप पढ़ना चाहते हैं तो वो सब आपको हिंदी बुकशाला पर मिल जाएगा। पुरस्कार एवं सम्मान, सबसे पहले 1968 में सुमित्रा नंदन पंत की चिदंबरा, जी हाँ यह इनका काव्य संग्रह था चिदंबरा, जिसको 1968 में पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बारंबार पुराने पेपर में देखने को मिलती है आपको ये रचना। इसके बाद सबसे पहले चिदंबरा का नाम आएगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पुरस्कारों में भी आपको याद रखना है डियर के ज्ञानपीठ पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार अलग अलग हैं, ठीक है। इनको ऐसे ही आपको रटना पड़ेगा। अज्ञेय की है 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, 82 में महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला, 92 में नरेश मेहता को मिला, 99 में निर्मल वर्मा को मिला, 2005 में कुंवर नारायण को मिला, 2009 में अमरकांत एवं श्रीलाल शुक्ल को मिला। सन 1984 ईस्वी के बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार लेखक का समग्र साहित्यिक योगदान पर दिया, यानी किसी रचना विशेष को न देकर लेखक को दिया जाने लगा। जिसने भी अपनी किसी रचना को श्रेष्ठ नहीं ठहराया बल्कि जिस भी लेखक का कला पक्ष अच्छा था या जो भी श्रेष्ठ लेखक था उसके संपूर्ण जीवन में उसने जितनी रचनाएं लिखी उन सब के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। ये आपका आज अंतिम कक्षा नहीं होगी, इसके बाद आपकी एक और कक्षा इसमें से बन जाएगी, खैर देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले 1955 में, तो पहले कौन सा मिलने लगा, पहले साहित्य अकादमी मिलने लगा था, माखनलाल चतुर्वेदी की हिमतरंगिणी को मिला, फिर 56 में वासुदेव शरण अग्रवाल की पद्मावत संजीवनी को मिला, 57 में आचार्य नरेंद्र देव को बौद्ध धर्म दर्शन के लिए मिला,
राहुल संस्कृतायन को मिला मध्य एशिया का इतिहास। फिर 1959 रामधारी सिंह दिनकर को मिला संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला। भगवती चरण वर्मा को भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लिए मिला पुरस्कार 62 में दिया ही नहीं गया। 63 में अमृत राय को मिला प्रेमचंद कलम का सिपाही जीवनी। अज्ञेय को आंगन के पार द्वार के लिए मिला जिसमें असाध्य वीणा आपकी कविता संकलित है, वो काव्य है। डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत विवेचना के लिए मिला। जैनेन्द्र कुमार को मुक्तिबोध उपन्यास के लिए मिला। अमृतलाल नागर को अमृत और विष उपन्यास के लिए मिला। हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टाने काव्य के लिए मिला। शीला शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए मिला। रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना जीवनी के लिए मिला। नामवर सिंह को 71 में कविता के नए प्रतिमान नामक आलोचना ग्रंथ के लिए मिला। भवानी प्रसाद मिश्र को बुनी हुई रस्सी काव्य के लिए मिला। हजारी प्रसाद द्विवेदी को आलोक पर्व निबंध के लिए मिला। शिवमंगल सिंह सुमन को मिट्टी की बारात काव्य के लिए मिला। भीष्म सहानी को तमस उपन्यास के लिए मिला। यशपाल को तेरी मेरी उसकी बात उपन्यास के लिए मिला। शमशेर बहादुर सिंह को चुका भी हूँ मैं नहीं के लिए मिला। भारत भूषण अग्रवाल को उतना वह सूरज है के लिए मिला। धूमिल को कल सुनना मुझे काव्य के लिए मिला। और कृष्ण सोबती को जिंदगी नामा उपन्यास के लिए मिला। तो अब इसमें से कम इम्पोर्टेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, ये सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही कह दिया कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमें याद करना ही पड़ेगा। तो ये भी एक ऐसी ही चीज़ है। अच्छा, ये इसलिए भी आप याद कर लिएगा डियर, क्योंकि ये ही बार बार पूछे जाते हैं। पुरस्कार नहीं पूछेंगे तो ये भी पूछ लेते हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर किसका है, लोग भूल गए किसका है, कव्य और काला पानी किसकी रचना है। तो दोनों चीज़ें आपकी तैयार हो रही है। पुरस्कार याद न भी रहा तो रचना याद कर लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, याद आ ही जाएगा, ठीक है। अब 1981 में त्रिलोचन शास्त्री को मिला ताप के ताए हुए दिन। 82 में हरिशंकर परसाई को मिला विकलांग श्रद्धा का दौर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को मिला खूंटियों पर टंगे लोगों के लिए। और रघुवीर सहाय ने कहा कि लोग भूल गए अब तो ईश्वर ही मेरी सहायता करें। निर्मल वर्मा कहते हैं कब्बे और काला पानी, निर्मल काला पानी, काला पानी निर्मल नहीं हो सकता। केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, ट्रिक अगर देखें तो अग्र से अपूर्वा, अपूर्वा अग्र, ठीक है। श्रीकांत वर्मा मगध, चंद्रगुप्त आप पढ़ी चुके हैं, श्रीकांत वर्मा की रचना है मगध, श्री मगध। नरेश मेहता की अरण्य, नरेश राजा कहाँ रहता है, अरण्य, जंगल में जाता है ना शिकार के लिए, तो नरेश मेहता अरण्य। केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, केदारनाथ सिंह अकाल में सारस, सिंह और सारस याद कर लीजिएगा। शिव प्रसाद सिंह नीला चांद, तो चांद नीला चांद शिव जी के मस्तक पर धारण कर रखा है, शिव जी के मस्तक पर कैसा चांद है, नीला चांद। गिरिजा कुमार माथुर में वक्त के हूँ सामने, अब आप गिरिजा पे चढ़ जाए, गिरिजा क्या होता है पहाड़, तो क्या हो गए आप वक्त के सामने ऊपर चढ़ के खड़े हो जाओगे एकदम। गिरिराज किशोर ढाई घर, गिरिराज किशोर, अब गिरिराज पर्वत को उन्होंने उठा लिया कृष्ण ने अपने हाथ पर तो उसके नीचे ढाई घर बन गए। विष्णु प्रभाकर अर्ध नारीश्वर, अर्ध नारीश्वर विष्णु प्रभाकर का उपन्यास है, शिव जी ने अर्ध नारीश्वर का रूप धारण किया तो चारों तरफ उनकी आभा फैल गई, विष्णु का आशीर्वाद था ना उनको। आप रामचरितमानस में पढ़ ही रहे हैं कि विष्णु का शिव पर और शिव की विष्णु पर अपार कृपा है। अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, अशोक वाजपेयी कहीं नहीं वहीं, इसलिए शोक मत करो, अशोक रहो, वो कहीं नहीं है। कुंवर नारायण का कोई दूसरा नहीं, एक ही कुंवर नारायण हो सकते हैं, कौन, हमारे श्री रामचंद्र जी, दूसरा कोई कुंवर नारायण हो ही नहीं सकता। सुरेंद्र वर्मा कह रहे हैं मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा क्या कह रहे हैं, मुझे चांद चाहिए। अब नीला चांद कहाँ था आपको याद है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया नीला चांद कहाँ था, शिव के मस्तक पर, ये रहा शिव प्रसाद सिंह, शिव ने प्रसाद के रूप में नीले चांद को अपने सिर पर धारण कर लिया। अब कौन कह रहा है,
अब चलिए सुरेंद्र, सुरेंद्र कौन थे, सुर किसको बोलते हैं, देवता, देवताओं के राजा इंद्र। इंद्र कह रहे हैं मुझे तो चांद चाहिए। भाई शिव ने प्रसाद के रूप में नीले चांद को अपने सिर पर धारण किया, लेकिन हमारे सुरेंद्र जी अड़ गए, वो कह रहे हैं मुझे तो यही चांद चाहिए, लेकिन नीला चांद नहीं चाहिए। नीला चांद किसको चाहिए, नीला चांद कैसे हो जाएगा, वो तो शिव के प्रसाद से ही होगा ना। तो ये दोनों रचनाएं पूछी जाती हैं और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं, इसलिए आपको ट्रिक बता दी है। नीला चांद तो शिव के प्रसाद से संभव है, अगर कोई सुरेंद्र मांग रहा है तो वो केवल मुझे चांद चाहिए। लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगूड़ी अनुभव के आकाश में चांद। तो चांद बहुत सारी चंद्रिकाएं खिलाता है ना, लीला करता रहता है, जगूड़ी या गूदड़ी में सोते रहते और आकाश में चांद को देखते रहते हैं। जगूड़ी है ना, इसे गूदड़ी याद कर लीजिए, अपनी गूदड़ी पे आप छत में पड़े हो और अनुभव के आकाश में चांद देख रहे हो। ठीक, अरुण कमल नए इलाके में, अरुण यानी लाल कमल खिल रहा है। लाल कमल कहाँ खिल रहा है, नए इलाके में लाल कमल खिल रहा है। बस ऐसी छोटी छोटी सी ट्रिक है, बड़ी ट्रिक के चक्कर में मत जाइएगा, ट्रिक ऐसी होनी चाहिए जो तुरंत क्लिक हो जाए, उल्टी सीधी हंसी मजाक वाली बनाइए, टेढ़ी मेढ़ी। विनोद कुमार शुक्ल दीवार में एक खिड़की रहती थी, विनोद कुमार शुक्ल क्या कह रहे हैं कि दीवार में एक खिड़की रहती थी, कोई बात नहीं, विनोद है, विनोदी स्वभाव है। अब दीवार में खिड़की थोड़ी ना रहती है, वो तो रहती थोड़ी ना, वो तो वहाँ होती है, पर ये विनोदी स्वभाव के हैं तो ये कह रहे हैं चलो दीवार में एक खिड़की रहती थी। अरे ये कहो ना कि उस घर में एक लड़की रहती थी तो भी ठीक है, लेकिन नाम ही है विनोद, विनोदी प्रवृत्ति के हैं तो दीवार में खिड़की कुछ भी कह सकते हैं। मंगलेश डवराल हम जो देखते हैं, मंगलेश डवराल की लालटेन है ना, इनका एक इनका काव्य एक इनकी रचना लालटेन भी काफ़ी फेमस है। मंगलेश डवराल क्या कहते हैं कि हम जो देखते हैं वही सच है। डवराल से यानी आप डिबरी लगा लीजिए इसको, लालटेन वाला भी आपको याद रहेगा, डिबरी होती है ना लालटेन की, बस वही। तो इनकी एक दूसरी कृति है, लालटेन काफ़ी फेमस है। तो मंगलेश डवराल क्या कहते हैं, हम जो देखते हैं लालटेन के उजाले में, हम जो देखते हैं वही सही है। अलका सराग भी क्या कह रही है, कली कथा बाया बाईपास। अलका सरागवी सराबगी, अलका सराबगी कहती हैं कि कली कथा बाया बाईपास। अलका है ये, ठीक है, लक से काम चलता है, बाईपास होके बाई कहते हैं ना, बाई चांस बाई लक या जो भी है, तो ये इधर उधर बाईपास होके घूम रही है अलका सराबगी जी। राजेश जोशी की है दो पंक्तियों के बीच, राजेश जोशी। अब दो पंक्तियों के बीच आप बैठ गए तो जोश तो आप में वैसे ही आ जाएगा, इधर से हूटिंग होगी उधर से हूटिंग होगी, और आप दो पंक्तियों के बीच में हो तो क्या होगा, जोश आ जाएगा, राजेश जोशी, राजाओं जैसा जोश आ जाता है। कमलेश्वर कह रहे हैं कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर क्या कह रहे हैं कितने पाकिस्तान, कम ये तो याद ही होगा आपको, वैसे बहुत बार पूछा जाता है, भारत विभाजन की समस्या पर आधारित है, कौसे कमलेश कौसे कितने। वीरेन डंगवाल कह रहे हैं दुष्चक्र में सृष्टा, अब ये डंगवाल है ना, डंडा लेके कह रहे हैं क्या दुष्चक्र में सृष्टा, तू दुष्चक्र में पड़ा है, ले तुझे डंडा लेके सही कर दूँ। वीरेन डंगवाल राजेश जोशी वर्तमान में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इनकी रचनाएं। तो वीरेन डंगवाल क्या कह रहे हैं, दुष्चक्र में सृष्टा है, डंडे से सही कर दूँ। मनोहर श्याम जोशी कह रहे हैं क्या पह, एक है इनका कसप और एक है क्या पह। मनोहर श्याम जोशी कह रहे हैं क्या क्या हुआ जोश को, जोश का क्या बनता है, मनोहर श्याम कह रहे हैं खाली जोश का कुछ नहीं बनता। ज्ञानेंद्रिय पति हैं, ज्ञानेंद्र पति क्या कह रहे हैं संस्यात्मा, ज्ञानेंद्र पति कह रहे हैं संस्यात्मा। अमरकांत कह रहे हैं इन्हीं हथियारों से, वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम इन्हीं हथियारों से अमर हो जाएंगे। गोविंद मिश्र कह रहे हैं कोहरे में कैद रंग, कोहरे में कैद रंग कैसे हो जाते हैं, कोहरे में आप किसी रंग को तो ढंग से दिखेगा क्या, वो मिश्र हो जाएगा, मिश्रित हो जाएगा, मिल जाएगा। अब देखिए ये ट्रिक मेरी कोई बनाई हुई नहीं है, मैं भी नाम पढ़ रही हूँ और आपकी तरह मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे याद करना होगा तो मैं ऐसे याद करूँगी, ठीक है। अब ये ट्रिक बना के मैं बैठी नहीं हूँ, मैं जस्ट पढ़ते हुए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा कमियाँ नहीं निकालिएगा। कैलाश वाजपेयी हवा में हस्ताक्षर, अब हवा में हस्ताक्षर कौन कर सकता है, बाज, क्योंकि बाज की जो उड़ान होती है ना वो बहुत ऊंची होती है, ऐसा लगता है वो हवा में हस्ताक्षर कर रहा है। और कैलाश पे रहने वाला बाज, वो तो भैया इतना ऊंचे पर्वत पे ठंडे देश में रहेगा तो हवा में हस्ताक्षर कर ही सकता है, हम तो नहीं कर सकते ना हवा में हस्ताक्षर, कौन कर सकता है, बाज, कैसे, अपनी उड़ान द्वारा। उदय प्रकाश लिख रहे हैं मोहनदास, उदय प्रकाश लिख रहे हैं मोहनदास, और जब उदय प्रकाश, जब प्रकाश का उदय होता है तो मोह का नाश हो जाता है, मोह नहीं रहता, मोह आपका दास बन जाता है। जब आपको प्रकाश का उदय, ज्ञान के प्रकाश का उदय आपके हृदय में होता है ना, तो फिर मोह आपका दास बन के रह जाता है, आप पे कंट्रोल नहीं कर सकता, आप उस पे कंट्रोल कर लेते हो। काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु, तो काशी जा, आपको काशी जाना है,
तो कैसे जाओगे? रेहन पर, रग्गू पर बैठ के जाओगे ना आप, कुछ भी है आप इसको बस ऐसे लगाइएगा, अर्थवर्त पे मत जाइएगा। चंद्रकांत देव ताले पत्थर फेंकता है। अब तालाब में क्या फेंकोगे? देव ताले, तो जो देवताओं के तालाब होते हैं उनमें पत्थर फेंक के देखते हैं ना, ठीक है। चंद्रमा की कांति दिखाई दे रही है, जो तालाब है ना देवताल जो है उसमें आपको चंद्रमा की कांति दिखाई दे रही है, तो उस पर आप पत्थर फेंक रहे हो तो चंद्रमा पे थोड़ी लगेगा भाई, फेंक लो। मृदुला गर्ग कह रही है मिलजुल मन, मृदुल है नाम से ही मृदुल है, ये मिलजुल कर रहे हैं, इनका मन सबसे मिलता है तभी तो ये मृदुल रह पाती हैं भाई। अगर ये सबसे मिलजुल कर इनका मन नहीं रहेगा तो मृदुल कैसे रह पाएगा, तब तो जीवन कठिन हो जाएगा। आशा करती हूँ कि ये ट्रिक मुझे तो खुद ही अच्छी लग रही है, अब आपको अच्छी लगे ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने दो बार भी ये वीडियो ध्यान से देखा तो आप इसमें से किसी रचना को गलत नहीं करोगे, ऐसा मुझे लग रहा है, ऐसा सही में है भी, प्लीज़ कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, रामविलास शर्मा व्यास सम्मान किस किस को मिला है देख लेते हैं। भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी पर मिला है इनको। फिर मिला है शिवप्रसाद सिंह को, मिला है नीला चांद पे, तो यार ये तो आप रटी रहोगे ना, ये तो याद हो गया। गिरिजा कुमार माथुर में वक्त के सामने हूँ, ठीक है, आ रही है ना ट्रिक का। धर्मवीर भारती सपना अभी भी, भारत में धर्म का पालन हो ऐसा सपना वीर लोग अभी भी देख रहे हैं, भारत को धर्म नगरी बनाना है ऐसा सपना वीर लोग ही देखते हैं। कुंवर नारायण वो तो आत्मजयी है ही ना, कुंवर नारायण कोई दूसरा नहीं हो सकता और वो आत्मजयी भी है। रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, राम का स्वरूप कैसा है? संवेदना का विकास करने वाला है। अगर आप रामचरितमानस में राम का स्वरूप पढ़ेंगे तो आपके अंदर क्या जागृत होगी? संवेदना। केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर, और अब आप लोग कहोगे कि मैडम आप प्रकाशन वर्ष नहीं पढ़ रही, देखिए मेरे पढ़ देने मात्र से तो आपको याद होंगे नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट लगे उनको रट डालिए और रटना ही है। केदारनाथ सिंह उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को, नाथ संप्रदाय के गुण किस में आए? बाद में उत्तर कबीर में, जो बाद में, देखिए नाथ संप्रदाय तो आदिकाल में होता ना, केदार नाथ तो नाथ संप्रदाय तो आदिकाल में था, लेकिन इसकी विशेषताएं भक्ति काल में किस में, उत्तर में किस में देखने को मिली? कबीर में। गोविंद मिश्र पांच आंगनों वाला घर, अब भैया ये गिरिराज किशोर बन के कहाँ रहते हैं? ढाई घर में रहते हैं, और पांच आंगनों वाले घर को क्या कहेंगे? मिश्रति तो कहेंगे, मिलके ही तो बनेगा ना, पांच आंगन को तो मिलाना पड़ेगा ना, तो गोविंद मिश्र। शिलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत, शिलाल शुक्ल विश्रामपुर का संत कैसा है? लाल रंग के हैं। गिरिराज किशोर का पहला गिरमिटिया उपन्यास है, गिरिराज किशोर पहला गिरमिटिया, जब जो है गिरिराज किशोर ढाई घर में रह रहे थे ना, साहित्य अकादमी लेने के लिए ढाई घर में रह रहे थे, अब इन्हें व्यास सम्मान लेना है तो उस घर में कौन आ गया? पहला गिरमिटिया आ गया, लेखक वही है गिरिराज किशोर भाई। जब ढाई घर में रहे तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया, और उस घर में पहला गिरमिटिया निकल आया, सो ही इनको व्यास सम्मान मिल गया। रमेश चंद्र शाह आलोचना का पक्ष, अब ये शाह लोग हैं, आलोचना करते रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, क्या कहे जाए इनकी, तो ये आलोचना के पक्ष में रहते हैं। कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, कैलाश वाजपेयी पृथ्वी का कृष्ण पक्ष, अब जो वाजपेयी, जो वाज है ना, वाज हवा में हस्ताक्षर करता है ना, अरे भाई साहित्य अकादमी लेना है 2009 में तो वाज हवा में हस्ताक्षर कर रहा है, और यही कैलाश का वाज व्यास सम्मान लेने के लिए पृथ्वी का कृष्ण पक्ष देख पा रहा है। जब हवा में हस्ताक्षर करने के लिए इतना ऊंचा उड़ेगा तो वहां से पृथ्वी का कृष्ण पक्ष नहीं देख लेगा, ये देख लेगा ना, बस वही है। चित्रा मुदगल आवा, मुदगल आवा, मुदगल होता है ना संस्कृत के नाटकों में पात्र होता है, जिसे आप विदूषक कहते हैं, कॉमेडियन जिसे आप कहते हैं, तो वो आवा आ रहा है अभी। कपिल शर्मा एक मुदगल मान लीजिए, वो आवा आ रहा है भाई, आप कह मत दीजिएगा, पता चले कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, उनका नाम ले लिया। मृदुला गर्ग कठ गुलाब, मृदुला गर्ग जो बहुत ही मिलजुल के मन से रहने वाली थी, तो जब उनको साहित्य अकादमी लेना था 2013 में तो उन्होंने मिलजुल मन बनाया, ठीक है, सबसे अपने मन को मिलाया, और 2004 में जब उन्हें व्यास सम्मान लेना था तो उन्होंने कठ गुलाब लकड़ी का गुलाब बना लिया। चंद्रकांता का कौन सा है? कथा सती सर, चंद्रकांता तो एक कथा सती सर है, सब जानते हो। परमानंद श्रीवास्तव कविता का अर्थात, कविता का अर्थात, अब जब मैं आपको रामचरितमानस पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको बार बार बताती हूँ कि आपको परम आनंद अगर रामायण से लेना है तो उसका अर्थात जानना पड़ेगा, शिव जी ने ऐसा कहा अर्थात, यानी उसका मतलब जानना पड़ेगा, तभी तो परम आनंद मिलेगा।
कृष्णा सोवती समय सरगम। अब जो कृष्णा सोवती है ना, वो तो हर समय सोती रहती हैं। मनु भंडारी कह रही हैं कि एक कहानी यह भी, यानी बहुत सारे भंडारे होते रहते हैं, तो उनमें से उसकी एक की कहानी यह भी है। अमरकांत इन्हीं हथियारों से, और इनको इस उपन्यास पे व्यास सम्मान भी मिला है, और अमरकांत हैं अमर, और ये तो भैया व्यास सम्मान भी ले लेंगे और साहित्य अकादमी सब कुछ ले लेंगे इन्हीं हथियारों से। क्यों? क्योंकि ये अमरकांत हैं। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, फिर भी कुछ शेष रह जाएगा, मतलब सबको हित तिवारी जी जो है ना, तिवारी जी सबको प्रसाद बांट रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भोलेनाथ की कृपा है इन पे, फिर भी कुछ प्रसाद शेष रह जाएगा। रामदरस मिश्र आम के पत्ते देख रहे हैं, राम का दर्शन कहाँ कर रहे हैं, आम के पत्तों पर। नरेंद्र कोहली कह रहे हैं ना भूतो ना भविष्यति। क्या कह रहे हैं नरेंद्र कोहली जी? क्या कह रहे हैं? ना भूतो ना भविष्यति, जो ना भूत में हुआ है और ना ही भविष्य में होगा, है ना। विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है, उसे ना तो कोई भूत में तोड़ पाया है और ना भविष्य में तोड़ पाएगा। अब तोड़ा है नहीं तोड़ा, उस पर दिमाग नहीं लगाना, ये सिर्फ ट्रिक है। विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं व्योमकेश दरवेश, ये संस्मरण है इनका। विश्वनाथ त्रिपाठी क्या कह रहे हैं? व्योमकेश दरवेश। ठीक है, अब आपके ये हो गए आपके दो सम्मान। अब मंगला प्रसाद पारितोषक आपका रह गया, इसको देखते हैं फटाफट से देखेंगे। ठीक है, वियोगी हरि वीर सत्सई, पद्म सिंह शर्मा बिहारी सत्सई की भूमिका, हरिओत प्रिय प्रवास मैथिली शरणगुप्त साकेत, जयशंकर प्रसाद कामायनी, गंगा प्रसाद उपाध्याय जीवन चक्र, शुक्ल रश्मि मानसा, महादेवी वर्मा रश्मि और नीरजा, जैनेन्द्र परख, हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि, डॉक्टर संपूर्णानंद समाज वाद, और नरेश मेहता को संशय की एक रात के लिए मंगला प्रसाद पारितोषक मिला है, देव पुरस्कार मिला है। दुलारे लाल भार्गव को दुलारे दोहावली के लिए, और रामनाथ जोशी को रामचंद्रोदय के लिए। सरस्वती सम्मान मिला है हरिवंश राय बच्चन को दशम द्वार से सोपान तक के लिए, लीलाधर जगुड़ी को नाटक जारी के लिए, और गोविंद मिश्र को धूल पौधों पर। सभी पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट जैसा कुछ है नहीं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को लोकायतन के लिए मिला है, सुमन को मिट्टी की बारात के लिए मिला है, अग्रवाल को फूल नहीं रंग बोलते के लिए मिला है, रामविलास शर्मा को भारत में अंग्रेजी राज्य और मार्क्सवाद के लिए मिला है, अमृतलाल नागर को अमृत और विश्व के लिए मिला है, अब्दुल बिस्मिल्ला झीनी झीनी बीनी चदरिया के लिए मिला है। पूछी गई रचनाएं सभी, ठीक है। अब ये सम्मेलन नाम उपाधि वगैरह ये करेंगे कल की कक्षा में। मिलती हूँ आपसे कल। वीडियो को आप लोग शेयर करिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा उत्सवर्धन मेरा भी करते रहिए। हिंदी बुकशाला की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।